Assalamualaikum. My name is Sania Rafiq. I am here to teach you chemistry. Chapter number 12, hydrocarbons का topic है alkanes. Alkanes क्या होते हैं? Alkanes हमने previous flow chart में भी discuss कर लिया था कि alkanes ऐसे compounds को कहा जाता है जिनमें carbon और carbon के दरमियान single bond मौजूद हो. तो अब हमने इनको detail से पढ़ना है. These are actually the simplest hydrocarbons. ये hydrocarbons की सबसे simplest class है. इसमें दीज आर द सैचुरेटेड, इनको हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी कहते हैं क्योंकि इन कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है. दीज आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स, इनको पैराफिन्स भी कहा जाता है. पैरा का मतलब है लेस और फिन्स का मतलब है अफिनिटी, यानी जिनकी किसी भी अदर कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने की जो एबिलिटी है वो कम है. दीज आर लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स. आगे इनमें होमोलोगस सीरीज पाई जाती है. होमोलोगस सीरीज क्या होती है? Which is differ by CH2 group. अब इसको समझने के लिए ये मैंने एक कार्बन कंटेनिंग बनाया है, ये दो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये थ्री कार्बन कंटेनिंग, फोर कार्बन कंटेनिंग एंड फाइव कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. वन और टू को तो हम इसमें डिस्कस ही नहीं करते क्योंकि ये जो CH2 ग्रुप है ये थ्री कार्बन से स्टार्ट होता है. ये देखें, थ्री कार्बन से ये CH2 ग्रुप स्टार्ट हो रहा है. इसमें एक CH2 ग्रुप है, आगे फोर कार्बन वाले में दो सी एच टू ग्रुप आ गए हैं और फाइव कार्बन वाले में तीन सी एच टू ग्रुप आ गए हैं. यानी ये ग्रेजुअली जिस तरह से कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहा है सी एच टू ग्रुप इंक्रीज हो रहा है और इसमें यही चेंज आता है. बाकी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती हैं क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हो रहे हैं, इनका मास ज़्यादा होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहेंगी क्योंकि इनके अंदर ग्रुप सेम है. अब यहाँ पे देखें, जो एक कार्बन वाला है उसको मीथेन कहेंगे, दो कार्बन वाले को इथेन, तीन कार्बन वाले को प्रोपेन, चार कार्बन वाले को ब्यूटेन और पांच कार्बन वाले को हम पेंटेन बोलते हैं. अब नेक्स्ट इसका शो किया हुआ है डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला. डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला किस तरह से बताया हुआ है, इसमें आपको समझ आ जाएगी कि ये कंपाउंड किस तरह से बना है. अब इसमें देखिए, कार्बन कार्बन के टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं. फर्स्ट शेल में टू आ गए और सेकेंड शेल में फोर इलेक्ट्रॉन आ गए. अब क्योंकि जब भी हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तब हम आउटर मोस्ट शेल ही हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें मैंने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए हैं, दैट आर फोर. अब इसको चार इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको फर्दर फोर इलेक्ट्रॉन की नीड है. अब एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर. इन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेना है. चार कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन है, चार अब उसने हाइड्रोजन के शेयर कर लिए हैं तो आठ इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे. अब ये जो पेयर है ना, पेयर का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन ये भी यूज़ कर सकता है और ये भी यूज़ कर सकता है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एज अ पेयर कार्बन भी यूज़ कर सकता है और हाइड्रोजन भी यूज़ कर सकता है. तो इस तरह से ये कंपाउंड बन जाएगा सी एच फोर, जिसको हम मिथेन बोलते हैं. नेक्स्ट इज सी टू एच फोर. इसमें क्या होगा, दो कार्बन हमने ड्रॉ कर ली, चार इलेक्ट्रॉन इसके लिख लिए और चार इलेक्ट्रॉन इसके लिख लिए, ठीक है. इन्होंने आपस में शेयरिंग कर ली और अब इसको क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने आपस में शेयर किया तो इनको फर्दर थ्री इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो इन्होंने थ्री हाइड्रोजन अपने साथ कनेक्टेड कर लिए हैं. तो इस तरह से ये इनके साथ थ्री थ्री बॉन्ड बन जाएंगे. ये हमारे पास कंपाउंड बन गया है दो कार्बन वाला, जिसको हम कहते हैं इथेन. इसी तरह से तीन कार्बन कंपाउंड है, कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए, इसके चार ड्रॉ किए, इसके चार ड्रॉ किए, इसने शेयरिंग कर ली, इसने शेयरिंग कर ली. बाकी यहाँ पे तो कार्बन मौजूद नहीं है तो ऑब्वियसली टर्मिनल जो साइड है वहाँ पे हाइड्रोजन ही आएंगे, कार्बन नहीं है. तो ये हाइड्रोजन आई, इन्होंने शेयरिंग की और इस तरह से ये हमारे पास कंपाउंड बन गया प्रोपेन, तीन कार्बन वाला. और ये जो बाकी ब्यूटेन और पेंटेन है, ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करने हैं क्योंकि जब तक बच्चा अपने हाथ से ड्रॉ नहीं करता उसको समझ नहीं आ सकती. बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स आर द प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा समझ आपको आती जाएगी. मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे मज़ीद आने वाले लेक्चर से आप लोग फ़ायदा उठाएँ. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.